तो गाइस यार इनसे मिलिए, ये है मेरी शार्क फैमिली। कैसे मम्मी पापा? अरे दद्दू और पापा आप क्या कर रहे हो? अरे छोटा भाई क्या कर रहा है? अरे भैया इतनी अच्छी हवा चल रही है, मजा आ रहा है हिलने में मेरे को तो। अरे मेरा पेट बहुत बाहर निकल गया इसलिए मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, क्या पता अंदर चला जाए। बुरा मेरे को देख बेटे, मैं पुशअप्स मार रहा हूँ, ये देख मेरी जवानी वापिस आ गई, देख देख। अरे पापा पागल हो गए हो क्या? बुढ़ापे में पुशअप्स मार रहे हो? कहीं हड्डी वड्डी टूट गई ना तो दिखाने भी बड़े महंगे पड़ोगे। बुरा टूटो सोटा रहे हमेशा 24 घंटे, मेरे को पुशअप्स मारने दे। अरे मेरा भी पेट बहुत निकल रहा है इसके ऊपर, अंदर कर लेती हूँ मैं। अरे यार यहाँ पर मेरी फैमिली के तो अलग ही नाटक चल रहे हैं, एक का मोटापा कम नहीं हो रहा, एक बुढ़ापे में पुशअप्स मार रहा, एक की नींद नहीं पूरी होती, मेरा छोटा भाई वो तो पता नहीं हवा खा रहा है। चलो एक काम करो, तुम लोग अपना काम करते रहो क्योंकि मैं तो सही में बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा अगर यहाँ पर रहा तो। इसलिए हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए यार, चलो चलते हैं उस साइड चलता हूँ घूमने के लिए, मजा आएगा। ये लम्बा चलाओ। तो गाइस यार यहाँ पर मैं एक साइड घूमने गया हुआ था और वहां दूसरी साइड समुंदर का बहुत पुराना राजा जिसको कैद कर दिया था मेरी फैमिली ने कई सालों हजारों पहले और वो वापस आ चुका था और वो है असल में करेबियन ऑक्टोपस और वो उसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, देखो यार। और उसको पता था कि अब कहां पर रहती है अगली शार्क फैमिली और गाइस यार शार्क फैमिली के ऊपर वो अटैक करने आ गया था और मेरी फैमिली यहां पर नीचे ही थी और आते ही उसने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला। वो हो मैंने अपना बदला वापिस ले लिया, इनके पूर्वजों ने मुझे एक जगह पर कैद कर दिया था पर आज मैं फिर से जिंदा हो गया, उस कैद से बाहर आ गया और मैंने आके पूरी पूरी शार्क फैमिली को मार डाला। अब मुझे कोई भी वापस कैद नहीं कर पाएगा, हो अब कोई नहीं हरा पाएगा मुझे और मैं समुंदर का राजा हर किसी पर राज करूंगा। ओह गाइस ये तो सचमुच में बहुत ज्यादा ताकतवर है यार, मैं तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये मुझसे कितना ज्यादा बड़ा है साइज के अंदर और इसने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला यार, मेरी फैमिली उस टापू पर थी। गाइस यार मुझे इसे कैसे ना कैसे करके रोकना पड़ेगा और अपनी फैमिली का भी बदला लेना पड़ेगा यार, इस ऑक्टोपस को मैं छोड़ूंगा नहीं यार, इसने मेरी फैमिली तबाह कर दी, पर मैं कैसे अपने आप को ताकतवर बनाऊं, कैसे मैं इसको हरा पाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लड़के टेंशन मत लो, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। अरे भाई तू कौन है? अरे मैं असल में इसका सिपाही हूँ। किसका सिपाही? अरे मतलब जेलर बोलो। किसका जेलर? मैंने ही असल में तुम्हारे पूर्वजों की मदद की थी इस ऑक्टोपस को काल कोठरी में डालने में, पर क्या करूं अब ये फिर से बाहर आ गया है और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्यों भाई तू खुद नहीं कर सकता क्या? है मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई शार्क नहीं हूँ, मैं आधा डॉल्फिन और आधा शार्क हूँ और तुम एक पूरी शार्क हो, मैं तुम्हें अपग्रेड करूंगा एक ताकतवर शार्क के अंदर जिससे तुम इस ऑक्टोपस को वापस काल कोठरी के अंदर डाल पाओगे और हमें ये जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आज शाम तक हम ये नहीं कर पाए तो उसे हम कभी भी काल कोठरी में नहीं डाल पाएंगे, तो तुम चलो मेरे साथ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे भाई साहब ये तो बताओ तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो इतनी ज्यादा दूर समुंदर से? समुंदर देखो कितनी दूर है और वो मॉन्स्टर भी वहीं कहीं पर ही होगा, क्या पता मेरे पीछे पड़ा हो। अरे अरे तुम टेंशन मत लो, उसे नहीं पता कि अब भी कोई शार्क जिंदा है। अच्छा पर कर क्या रहे हो वहाँ पर? एक सेकंड में आया, रुको मेरा वेट करो। हे चलो मिल के आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। भाई तू लेने क्या गया था? अरे एक सेकंड यार तुम बोलते बहुत ज्यादा हो, तुम्हारे चक्कर में सीढ़ी लेना भूल गए, ये लो लेके आ गया मैं। क्या लेके आयो? अरे भाई ये क्या चीज है यार? अरे ये एक बहुत प्राचीन चीज है जिससे तुम एक अल्टीमेट शार्क के अंदर अपग्रेड हो सकते हो। है प्राचीन चीज, इसका नाम क्या है? ये असल में समुंदर के राजा के अंडे है। समुंदर का राजा? वो कौन है? वो तो कई हजारों साल पहले मर चुका है पर उसने अपने अंडे कई जगहों पर छुपाए थे और मुझे पता है कि कहाँ पर उसके अंडे। और फिर इसका करना क्या है? कुछ नहीं, तुम्हें सिंपली इस अंडे को खाना है, उसे खाने के बाद तुम एक अल्टीमेट शार्क के अंदर अपग्रेड होगे। ओ भाई साहब शुक्रिया शुक्रिया, पर याद रखना इससे कुछ भी हो सकता है, मतलब ये काफी पुराने अंडे हैं, मुझे बदला लेना है तो मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, चलो खाते हैं। ओ गाइस यार ये देखो जैसे मैंने उस अंडे को खाया मैं अपग्रेड हो गया। अरे शाबाश, पर ये क्या तुम ताकतवर नहीं लग रहे? हाँ मैं अपग्रेड तो हो गया पर मैं ताकतवर नहीं लग रहा। अरे मेरे को लगता है कि हमें और अंडे ढूंढने पड़ेंगे, मतलब और भी अंडे ऐसे? हाँ मुझे पता है पर पता नहीं वो उतनी जगह पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उन अंडों को ढूंढ के उनको भी खाना पड़ेगा जिससे तुम एक अल्टीमेट शार्क के अंदर अपग्रेड हो पाओगे और उस ऑक्टोपस से लड़ पाओगे। तो चलो बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से और अंडों को ढूंढते और उनको खवाता हूँ तुम्हें और तुम्हें और भी ज्यादा अपग्रेड करता हूँ, तेज भागो बहुत मोटे हो गए हो। ओके तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस लेक के अंदर?
अरे आ जाओ जितना मेरे को याद है जो अगला हमें एग मिलेगा ना वो असल में इसी लेक के अंदर मिलने वाला है। क्या इतना इजी? हाँ हमने इसी के अंदर उसको छुपाया था जितना मेरे को याद है, तो तुम्हें सिर्फ इसके अंदर डाइव मारना है और ढूंढ के निकालना है। अरे भाई साहब रुकिए रुकिए, अरे गलती मत कीजिए इसके अंदर कूदने की सर, बिल्कुल इसके अंदर मत जाना। अरे क्यों, क्या हो गया भाई? हाँ भाई क्यों नहीं जा सकते इसके अंदर? अरे इसके अंदर आप लोग नहाने की सोच रहे हैं क्या? हाँ ऐसा ही कुछ है। अरे सर इसके अंदर बिल्कुल भी मत जाना, ये देखिए ये टॉक्सिक है इसके अंदर बहुत सारा। अरे मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ कुछ नहीं होगा, मैं तो एक शार्क हूँ ना। अरे तुम शार्क हो या बबर बार को, असल में मैं तुम्हें बताता हूँ, इस नदी के अंदर इंडस्ट्रीज का वेस्ट मिलाया जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, और सबसे खतरनाक इसके अंदर रेडियो एक्टिव चीजें भी मिलाई जाती है। इसके अंदर कोई नहीं नहाता इसलिए। क्या इतना कचरा मिला रखा है इसके अंदर? हाँ भाई साहब इसलिए इसके अंदर नहाना मना कर रखा है, तुम इसके अंदर नहाओगे तो मर जाओगे फालतू में। अरे ये क्या, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे उस एग को। अरे यार क्या करूं, एक सेकंड, मैं एक शार्क हूं, मैं कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी हूं, तो गाइस यार मैं थोड़ी देर के लिए तो पानी के अंदर जा ही सकता हूं, जैसे मेरा दम घुटने लगेगा मैं ऊपर आ जाऊंगा। हाँ तुम ऐसे कर सकते हो। अरे भाई साहब बात मानी मत चाहिए। अरे यार मेरे को वो एग ढूंढना ही पड़ेगा, मुझे मेरी फैमिली का बदला जो लेना है, तो चलो गाइस चलते इसके अंदर। वो ओ भाई साहब साइमी, मैं इसके अंदर सांस नहीं ले पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों पर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है मेरे को। भाल निकलो। भाई साहब मैं शार्क हूँ और मेरा भी इस चीज के अंदर दम घुट रहा है भाई, इंसान सेमी कितनी ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। चलो भाई वापस चलते पानी के अंदर। अरे अरे उस साइड ही जाओ, हाँ जहाँ पर वो इतना सारा कचरा है ना उस साइड मिलेगा तुम्हें वो अंडा। ओके ओके जा रहा हूँ जा रहा हूँ। ओ नो 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 नो, सांस घुट गई, वापस ऊपर आओ। ओ भाई सही है, ओ यार कितना कचरा खंडारा का सेमी इन लोगों ने यहाँ पर। अब देखते हैं यार मेरे को कहाँ पर वो एग मिलने वाला है, उसको मैं जल्दी से ढूंढता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ इससे पहले कि मेरी खाल जल जाए यार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव नदी है यार, नदी मतलब लेक लगा लो। पर भाई कितना कचरा खंडारा का, देख रहे हो प्लास्टिक की बोटल्स, लकड़िया वकड़िया क्या क्या गेर रखा है इस पानी के अंदर इन लोगों ने। हाँ तो चलो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। कॉमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को लिखना है ऑक्सीजन, जिससे मेरे को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले और मैं पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम रह पाऊँ, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है ऑक्सीजन। तो चलो गाइस यार चलते हैं पानी के अंदर, लेट्स गो। ये हम लगाई जंप और सीधा ये पानी के अंदर छपाक। ओके तो गाइस यार हम लोग पानी के अंदर आ चुके हैं, और भाई सब यहाँ पर कितने सारे ऑयल टैंक्स रख रखे यार इन लोगों ने, अगर एक भी फट गया तो समझो तुम्हारा भाई गया। पर यार मेरे को जल्दी से वो एग भी तो ढूंढ के निकालना है, कहाँ पर होगा। रेडियोएक्टिव चीजें, दूर निकलो जल्दी, बाहर निकलो। ओ भाई साहब ये पानी में से बाहर निकल गया यार, चलो वापस चलता हूँ। कितनी ज्यादा रेडियो एक्टिव चीजें पटक रखी यार, कितने सारे ऑयल बैरल स्टेक रखे इन लोगों ने पानी के अंदर। अबे यार वो एग तो कहीं पर भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बस पड़े इतने सारे प्लास्टिक की बोटल्स। बाहर निकलो, फिर से सांस लेने दो। ओए चलो अंदर चलते वापस, लेट्स गो। यार यहीं कहीं पर होना तो चाहिए यार वो, इसके नीचे इतनी है प्लास्टिक की बोतल के नीचे, नहीं यार प्लास्टिक की बोतल के नीचे इतनी है। ओए वो देखो फाइनली शायद मेरे को मिल गया, हाँ ये तो वही है क्या यार। ओ शिट, पर ये तो इस चीज के नीचे फंस रहा है यार, मुझे इस चीज को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी। गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर पावर अप, जिससे मेरी पावर अप होगी, मैं इस चीज को तोड़ के संडे को बाहर निकल पाऊंगा। जल्दी से लिखो यार कमेंट बॉक्स के अंदर पावर अप। चलो गाइस इसे तोड़ता हूँ, और ये भाई साहब क्या पावर से। ओह गाइस यार ये देख रहे हो, मैंने भाई धरती में काला काला कुछ कर दिया यार, पता नहीं। चलो गाइस यार मैंने पर इसको सरका दिया है, तो यहाँ पर हम इसे इजीली खा सकते हैं इस एग को। जल्दी से इसको खाते हैं इससे पहले कि मैं मर जाऊं। जल्दी जल्दी पहले तो पानी से बाहर निकलता हूँ, थोड़ी देर सांस लेता हूँ। चलो भाई वापस अंदर चलते, ये हम लोग चले जल्दी से जाके इसको खाते हैं। लेट्स गो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। वो गाइस यार ये देखो, हम लोग कितने खतरनाक वाले शार्क के अंदर अपग्रेड हो सके इस बार भाई, ये वाला तो बहुत ज्यादा खतरनाक अपग्रेड है सही। देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है तुम्हारा भाई। अरे अरे इधर आओ जल्दी सी। आ गया। अरे हाँ कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गए थे? अरे कुछ नहीं यार, अपने नए वाले अपग्रेड को देख के खुश हो रहा था। हाँ तो मेरी बात सुनो, इस अपग्रेड से भी तुम उस ऑक्टोपस को नहीं हरा सकते, तुम्हें और भी ज्यादा अपग्रेड होना होगा, उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा एग्स चाहिए होंगे। यहाँ पर आके देखो, वहाँ पर सामने देखो, ये रहा एक और एग, पर यहाँ पर ये एग असल में इस बंदे का है, और यहाँ पर तुम्हें गोल्फ खेलना पड़ेगा, ये है गोल्फ एरिया। अगर तुम गोल्फ में इन लोगों को हरा दे तो तुम इनाम में ये मिलने वाला है। अच्छा अच्छा वो तो ठीक है, मैं इन लोगों को गोल्फ में हरा दूंगा तो मेरे को अगला एग मिल जाएगा, पर इन लोगों के पास ये एग आया कहाँ से? अरे यार वो मुझे पता नहीं, बस मैं पता लगा सकता हूँ कि एग्स है कहाँ पर। इन लोगों को शायद कहीं मिल गया होगा पड़ा हुआ, इन लोगों को कोई एंटीक पीस लगा होगा इसलिए इन लोगों ने रख लिया होगा अपने पास, पर तुम्हें इस एग को जीतना पड़ेगा किसी भी हाल में। ओके तो गाइस यार मेरे को अपग्रेड होना है और उस ऑक्टोपस को हराना है, तो गाइस यार मेरे को इस एग को कैसे ना कैसे करके पाना ही पड़ेगा, और हम लोग यहाँ पर जरूर जीतने वाले हैं। हे भाई साहब ये एग मेरे को चाहिए। क्या कहते भैया, तुम कोई एग चाहिए? हाँ हाँ एग चाहिए।
अच्छा, अगर तुमको ये एग चाहिए तो तुमको हमारे प्लेयर्स को हराना पड़ेगा गोल्फ के अंदर। अगर तुम नहीं जीत पाए तो हमको क्या दोगे? मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। अरे हाँ, अच्छा ऑफर है। वैसे तो तुम दिखने में भी काफी हट्टे कट्टे लगते हो। घास कटवाएंगे हम तुमसे। हाँ तो हम तुम्हारा शर्त मंजूर करता बे, और अगर तुम हमसे हार जाते तो तुम हमारी गुलामी करोगे। ओके तो गाइस, यार मैं इनकी गुलामी करने से रहा क्योंकि मैं यहाँ पर जीत के जाने वाला हूँ, तो बस मेरे को यहाँ पर जीतना और उसके बाद बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ तो भाई, हो जाए क्या गोल्फ का चैलेंज? हाँ मैं समझ तो रहा हूँ गोल्फ का चैलेंज, पर करना कैसे है? हाँ तो देख भाई, यहाँ पर 3 बॉल येरी और 3 बॉल येरी, और इनको गोल करना है वहाँ ऊपर इन बड़े बड़े टायर्स में। अबे ऐसा कौन गोल्फ खेलता है? अरे भाई ये मेरा गोल्फ है, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे अलग। भाई गोल्फ तो जमीन पे खेला जाता है नॉर्मल तरीके से। अरे नॉर्मल चीजें मेरे को करना ही नहीं पसंद भाई, इसलिए मैं ये तरीके से खेलता। तो ट्राई करो, ठीक है, अच्छा लगेगा, जीत जाओगे तो बढ़िया है। हाँ तो भाई देख, पहली बारी मेरी है, करना क्या है तुम्हें? इस बॉल को उठाना है ऐसे, ये देखो उठ गई गन से, ये असल में स्पेशल मैग्नेट गन है। अब तुम्हें करना है गोल। अब देखो मैं करूंगा गोल, सबसे पहले मैं करूंगा इस वाले में, और ये देख भाई ये, अरे ये क्या भाई, गोल नहीं हुआ। गोल तो हुआ ही नहीं भाई तेरा। अरे भाई कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास 3-3 चांस है, इसलिए इस बार मैं भारी बॉल यूज करूंगा, ये वाली। देख भाई इस बार मैं यूज करूंगा ये भारी बॉल, और इस वाली से देख मैं कैसे गोल करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले बॉल को पूरा ऊपर उठाना पड़े, और उसके बाद यहाँ से ऐसे थ्रो कर दो। ये तो चीटिंग है भाई, 2-2 बॉल एक बार यूज करी तूने। अरे भाई ये चीटिंग नहीं। अरे ये क्या अब भी नहीं हुआ? अरे यार ये कैसे हो सकता है, लगता है किसी ने मीटर बढ़ा दिया इनका। भाई तू हारने वाला है। अरे मैं नहीं हार सकता, ये मेरा लास्ट चांस है, और इस वाले को मैं जरूर गोल करूंगा। बस तू देखता जा भाई, तू मेरे बारे में जानता ही क्या है। इस बार तो इस वाली को मैं जरूर गोल कर दूंगा, और ये किया मैंने थ्रो, और ये देख 100% गोल होगा इस बार, तो पूरी परफेक्शन से फेंका। ये ले भाई हो गया गोल, जैसा मैंने बोला था हो गया। देख भाई गोल सीधा अंदर। अरे भाई इसका 1 पॉइंट हो गया। ओके तो गाइस यार अबे तुम्हारे भाई की बारी। अबे मेरे को दो गन। अरे तुम्हारे पास है ऑलरेडी। ओके तो गाइस यार अबे तुम्हारे भाई की बारी, तो सबसे पहले मैं डालूंगा इस वाले में जिसमें ये नहीं डाल पाया था। तो सबसे पहले मेरे को बॉल को हवा में उठाना है, और मेरे को आप लोगों की मदद चाहिए इस चीज के अंदर। जैसे मैं बॉल फेंकने पे आऊँ ना, आप लोगों को लिखना है थ्रो, जिससे हम लोग बिल्कुल बॉल को टायर के अंदर डालने वाले, ठीक है? ओके तो गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में अंदर आप लोगों को लिखना है थ्रो। ओके 1, 2, 3 और ये थ्रो। ओके भाई प्लीज चली जाइयो, और ये अरे नहीं 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 नहीं, हो गया भाई, हो गया, वो अंदर से बाहर आई है। अरे भाई वो नहीं माना जाएगा, वो अंदर गई नहीं। अरे नहीं यार, हो ही नहीं सकता यार, वो टच हो गई थी ऊपर। शिट मैन, मैंने ज्यादा ऊंचा थ्रो करा। चलो नहीं, सेकंड चांस करते। अबे दोनों बॉल्स नहीं चाहिए, एक बॉल चाहिए इनमें से मुझे। ओके तो गाइस यार नेक्स्ट चांस के लिए मैं नेक्स्ट बॉल लेके आ चुका हूं, और ये वाला गोल करना मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको उठाते हैं वहां के अंदर, और ये उठा लिए बिल्कुल परफेक्टली। प्लीज भगवान गोल हो जाइए, और 1, 2, 3 थ्रो, और ये ओ परफेक्टली। तो गाइस यार हमारा भी एक गोल हो गया, देख रहे हो भाई, बिल्कुल आर पार गई ये बॉल। हाँ ठीक है, अब दूसरा ट्राई मारो। ओके तो गाइस यार ये वाला गोल मेरे को करना जरूरी है, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो भाई मेरे को एग नहीं मिलेगा। ओके तो गाइस यार ये रही अपनी बॉल, और भाई यार मेरे पास वो आयरन वाली बॉल नहीं आई जो इसके पास थी। भाई मेरे को लग रहा है कहीं मेरे से दिक्कत ना हो जाए, तो चलो इस बॉल को उठाते हैं हवा के अंदर। ये उठा लिया हमने बॉल, प्लीज भगवान हो जाए ये गोल। ओके जैसे मैं बोलूं थ्रो करना है आप लोगों को, मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है 1, 2, 3 लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर थ्रो। ओके प्लीज भगवान चली जाइए वाली बॉल, और ये थ्रो, और ये चली गई प्लीज, और हो गया। ओ गाइस यार ये देखो, मैंने यहाँ पर इन दोनों के अंदर गोल कर दिया, इसका मतलब वो एग मेरा हुआ। ओ भाई चल 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 इसे वो एग मेरे को दे दे। अरे नहीं दूंगा, अबे तेरी ऐसी रुक, अभी बताता हूँ तेरे को। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मैं गोल्फ में जीत चुका हूँ। अरे भैया तुम जीत गए, पर तुम्हें अभी और भी चैलेंज करने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहा है, कितनी देर से मैं गोल्फ का चैलेंज कर रहा हूँ और तू मेरे से और चैलेंज करवाएगा? ये ले मोटे, तेरे को बताता हूँ, ये ले तेरी ऐसी। अरे भैया क्या है, अरे भैया माफ कर दो भैया, हटे तेरी ऐसी। चलो गाइस यार चल जाके अपना एग खाता हूँ। वो गाइस, अबे वो सिपाही मेरे को देखो उस प्लेन में से गिर के नीचे भाग गया, मतलब ऊपर भाग गया, मैं नीचे जा रहा हूँ। भाई यार बता तो देता कहाँ जाना है, कहाँ जाने वालों, और ये धड़ाम। ओ भाई साहब बहुत धीरे गिरा यार, पता नहीं स्पीड स्लो हो गई आते आते। ओके तो गाइस यार यहाँ पर चल क्या रहा है? उई ये तो एक डॉल्फिन है यार, और ये एक बतख है, ये चल क्या रहा है यहाँ पर? उई मेरे सामने एक शार्क है। ओए पाजी तुम लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज में। मेरा खानदान लॉस सैंटोस के ओशियन का सबसे महंगा और करोड़पति खानदान है, तो मैं आज ये रैंप चैलेंज करवा रहा हूं पाजी। तो ये रैंप चैलेंज तुम 3 लोगों में होगा। यहाँ पर सबसे पहले तुमने मोटरसाइकिल लेनी,
उसके बाद तुम यहाँ से सीधे जाओगे। जीतते जिताते मेरे को नहीं पता कैसे जाओगे। बहुत हार्ड रैंप चैलेंज बनाया है भाई मैंने। उसके बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके फिर यहाँ से ऊपर जाना है फुल स्पीड में बिना कोई ब्रेक लगाए भाई, मजा आ जाएगा तुमने। फिर यहाँ से देखो यहाँ तक गाड़ी लेकर नीचे जाना है भाई, डमचिक करते हुए इन सभी चीजों को लाइन में से हटा देना भाई। बहुत सारी चीजें देखते कि कौन कितना स्कोर करता है। फिर तुम्हें लेनी है यहाँ पर बोट और आखिर में तुम पहुंचोगे यहाँ पर जहाँ पर जीतने वाले को मिलने वाले बहुत सारे लेजेंडरी एग्स। एक सेकंड एक सेकंड, बहुत सारों से मतलब क्या है? अरे बहुत सारों से मतलब चार मिलेंगे चार। हाँ तो वो अंडे मुझे चाहिए। अरे क्यों, तुझे क्यों चाहिए? क्योंकि उन अंडों को मंगाया मेरे सरताज ने, ऑक्टोपस ने। क्या गाइस, यार ये जो डॉल्फिन है असल में उसी ऑक्टोपस के लिए काम करती है जिसने मेरी फैमिली को मारा है। क्या तुम जानते हो उस ऑक्टोपस को? नहीं, मैं नहीं जानता। सही है, जान जाओगे, कुछ देर की बात है, शाम होने तक फिर मेरे सरताज की सारी ताकत एक्टिवेट हो जाएगी और फिर सब मर जाएंगे। गाइस यार अगर इसको वो अंडे मिल गए तो सोचो तुम्हारा भाई कभी भी बदला नहीं पाएगा अपनी फैमिली का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको बिल्कुल नहीं जीतने देना। जीतूंगी तो मैं ही यहाँ पर, बस तुम देखते जाना बहुत खतरनाक तरीके से। गाइस यार ये डॉल्फिन कुछ ज्यादा ही नहीं इतरा रही है क्या? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं नहीं, मेरे दोस्त तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तुम्हारे दोस्त मेरे सरताज के आगे कुछ भी नहीं, मेरे सरताज बहुत ज्यादा ताकतवर है। हाँ वो तो टाइम बताएगा। ये देखो मेरे पास एक बार सरताज की ताकतें आ जाए फिर मैं सरताज की राइट हैंड बनूंगी। गाइस यार इसको लालच दिया गया है, मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा बुरा है, उसकी बातों में मत आ, उसने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला है। अच्छा तुम ही उस शार्क फैमिली से बिलोंग करते हो जिसने मेरे सरताज को आज से लाखों साल पहले बंदी बनाया था। हाँ और मैं फिर से बनाने वाला हूँ अपने सपनों में, क्योंकि तुम यहाँ पर जीतने ही वाले नहीं हो। तेरे को ऐसा क्यों लगता है तू जीतेगी? क्योंकि मुझसे ज्यादा प्रोफेशनल बाइक राइडर कोई भी नहीं, तो मैं ही यहाँ पर जीतूंगी ना और मेरे सरताज को खुश करूंगी। गाइस यार ये बिल्कुल नहीं जीतनी चाहिए। जीतूंगी तो मैं। ये क्या शिट, मेरा रिमोट कंट्रोल। भाई ये रिमोट कंट्रोल क्या था, मुझे समझ में नहीं आया कुछ जाते जाते उसने क्या बोला। ओके तो गाइस यार इस डक की बारी है और इस डक का पिछवाड़ा पर देख रहा हूँ ऐसे बोल बोल सा गोल गोल सा। ओ भाई ये तो मेरे को गालियां दे रही है, बोल रही है इसको अंडे चाहिए क्योंकि किसी ने इसके अंडे चुरा लिए और ये अब वो अंडे चाहती है। भाई ये कहाँ होता है यार, अरे वो मुर्गी के अंडे थोड़ी है, वो तो कोई शार्क के अंडे है ना। क्या मेरे को समझ नहीं आया कुछ। गाइस यार ये बोल रही है इसको कैसे भी अंडे चाहिए, पर इसको अंडे चाहिए बस। ओ भाई ये गाड़ी कैसे उड़ा रही है तू, मतलब बाइक हवा में कैसे उड़ा रही है? क्या, अच्छा अच्छा भूल गया था तू तो एक बर्ड है ना। पर यार ये कुछ ज्यादा छोटे पंख नहीं है उड़ने के लिए? ओ भाई कुछ ज्यादा ही डेंजरस बर्ड है सही। ओ भाई नहीं, तुझे नहीं जीतने दे सकता यार, अगर वो अंडे तुझे मिल गए तो मैं लॉस सैंटोस को नहीं बचा पाऊंगा और ना ही मैं मेरी फैमिली का बदला ले पाऊंगा। प्लीज और कोई अंडे ले ले, काम कर मैं तेरे को मुर्गी के अंडे खरीद के दे दूंगा। क्या मुर्गी के अंडे तेरे को अच्छे नहीं लगते, कौए के? क्या भाई ये बोल रही, शतुरमुर्ग के अंडे ला के दूं? अरे मैं शतुरमुर्ग के अंडे कहां से ला के दूंगा अब। ओके एक काम कर तू जीत जा, अगर तू जीत गई तो वो तेरे अंडे हो जाएंगे। मेरे को लगता नहीं वैसे कोई चिड़िया यहाँ पर जीत सकती है क्योंकि भाई साहब मेरे जैसा प्रोफेशनल राइडर यहाँ पर जीत सकता है। गाइस यार ये बोल रही कि ये भी प्रोफेशनल राइडर है, मुझे नहीं लगता कोई एक बर्ड प्रोफेशनल राइडर हो सकती है। और अरे कुछ भी बोलू यार, ये तो काफी अच्छा कर रही है उस डॉल्फिन से, देख रहे हो कैसे आगे बढ़ती जा रही है। और अरे यहाँ पर क्या करना है भाई, ओ यहाँ पर देख रहे हो ये स्पीड बम से 80 और ये 100 और ये लगा इसने जंप और ये भाई पहुंच गई फाइनली। ओ ब्रेक नहीं लगे, बच गया भाई, भारी निकल जाती अभी। क्या हेलीकॉप्टर भी उड़ाना आता तेरे को? भाई ये कैसी बात है, इसको हेलीकॉप्टर भी उड़ाना आता है? नहीं यार इसको हराना पड़ेगा। गाइस यार तुम लोग बताओ क्या करो, इसके पंख तोड़ दो यार, उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है फोल, जिससे इसके पंख टूट जाए और ये यहाँ पर हार जाए। और यार यहाँ पर इसको हेलीकॉप्टर भी उड़ाना आता है, कितनी खतरनाक चिड़िया भाई, मैंने इतनी खतरनाक चिड़िया आज से पहले कभी नहीं देखी। और क्या स्पीड से हेलीकॉप्टर उड़ाई जा रही है भाई, टायर्स के बीच में से देखो क्या फटाफट निकलती जा रही है। तो क्या स्पीड से उड़ी, मामा 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 मामा
भूल गई, तू खुद नहीं उड़ सकती अपने पंख से क्योंकि तेरे पंख टूटे हुए हैं। ओके तो गाइस यार अब तुम्हारे भाई की बारी है और मेरे को किसी हाल में भी वनडे चाहिए, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा रैम चैलेंज है और शाम होने पे है। नहीं नहीं अगर रात हो गई तो यार वो ऑक्टोपस बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, मेरे को जल्द जल्दी इस रैम चैलेंज को कंप्लीट करना चाहिए। ओके तो गाइस यार आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है गुड लक जिससे मैं इस रैम चैलेंज के अंदर जीत जाऊं। क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी से लिख दो यार कमेंट बॉक्स के अंदर गुड लक तुम्हारे भाई के लिए जिससे मैं यहां से जीत के ही जाऊं। ओके भाई साहब भागो भागो भागो, बहुत ज्यादा कम टाइम बचा यार, मैं सुबह से उन अंडों को कलेक्ट कर रहा हूं यार, और वो तो सही है उस सिपाही की वजह से मैंने 3-4 अंडे इजीली मिल गए, इजीली तो कुछ भी नहीं मिला, मतलब हार्ड था बहुत ज्यादा पर मिल तो गए थे ना, पर ये वाला अंडा मेरे को खुद के ऊपर लेना पड़ेगा। भागो 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 भागो, ज्यादा तेजी भी नहीं, अगर ज्यादा तेजी की क्या पता नीचे गिर गया तो ओए दिख नहीं रहा, इतना ज्यादा वाइड है ना तुम्हारे भाई की बॉडी। ओके इसके अंदर घुस जाऊंगा मैं, ओ नहीं यार इसके अंदर नहीं घुस पाऊंगा, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो गाइस यार अभी हम लोग इसके ऊपर आ चुके हैं, अब यहां से मेरे को आराम से नीचे जाना है, बिल्कुल बढ़िया। ओहो भाई यार कितना बड़ा रैम चैलेंज है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, फुल स्पीड ये हमने लगाई जंप फुल स्पीड में, वो भाई रैम चैलेंज से बाहर नहीं जाना, एकदम परफेक्ट। और सामने ये सीमेंट, और हमने सीमेंट को भी इजीली क्रॉस कर दिया, नाइस भाई साहब। अब आ चुके हम लोग इस घर के ऊपर और इस घर को भी हम लोग इजीली क्रॉस कर देंगे। अब आ गए डोनट्स के ऊपर, क्या बोलते हैं इनको, क्रीम रोल्स, हाँ सही है चलो। ओए दिख नहीं रहा कुछ भी, नीचे ना गिर जाऊं, बच गया भाई, बचाऊं भाई मैं बार, थोड़ा सा रह गया भाई, इस बाइक की ग्रिप काफी अच्छी है इसलिए रह गया तुम्हारा भाई, वरना हारना पक्का था। इस तरफ इजी बैक लो पीछे लेके, ओके यहाँ पर फुल स्पीड में, और ये बच गया भाई, अभी टकरा जाती मेरे को ये जो दीवार सी थी, ओ ये लगाई हमने जंप बिल्कुल परफेक्ट। अब हमें चढ़ाना है इसके ऊपर, ये बड़े बड़े रोल्स के ऊपर, और इनके ऊपर भी हम लोग इजीली अपनी बाइक चढ़ा लेंगे, जैसे मैं बोल ही रहा था चढ़ा लिए। अब हमें यहाँ पर स्पीड चाहिए, ओके 200 180 180 180 स्पीड पहुंच जाएगी। ओ शिट कूदो, ओ बच गया भाई, क्या किनारे पे आके रुका हूँ भाई, ओ सही है मेरे बड़े बड़े नाखून हैं, इन नाखूनों की वजह से रुक गया यार, इन छेदों में मैंने मेरे नाखून डाल लिए थे पर मेरी बाइक नीचे चली गई, डिस्क्वालीफाई होते होते बचा। ओए जल्दी करना पड़ेगा, रात होने वाली है, जल्दी बैठ सुमित, टाइम नहीं है, जल्दी स्टार्ट हो मेरा हेलीकॉप्टर, स्टार्ट हो जा जल्दी जल्दी भाई, टाइम नहीं हमारे पास बिल्कुल भी। गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो, टाइम को रोको यार, कुछ तो करो। गाइस यार कम से कम ये लिख सकते हो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कि सुमित भैया 10 मिनट्स फ्री, कमेंट बॉक्स के अंदर 10 मिनट्स लिखो जिससे मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले। हेलीकॉप्टर भाई बाहर चला गया था यहाँ से, वापस कंट्रोल में लेके आया हूँ यहाँ तक, अब इसको आराम आराम से उड़ाना, ऊपर से इतना ज्यादा डेंट आ चुका हेलीकॉप्टर के ऊपर। अरे यार ये हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उठ रहा, मेरे को लगता है इस हेलीकॉप्टर के अंदर कोई ना कोई तो डिफेक्ट है। ये क्या भाई, वापस से दिन हो गया, आप लोगों की वजह से देख रहे हो वापस से दिन हो गया। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर पक्का मेरे लिए दुआ मांगी होगी, टाइम बढ़ाया होगा आपने मेरे लिए, इसलिए टाइम बढ़ गया, नाइस यार शुक्रिया आप लोगों का बहुत ज्यादा। चलो भाई अब मेरे पास काफी टाइम है, अब मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। यार मैंने इतने हेलीकॉप्टर उड़ाए पर आज से पहले इतना घटिया हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया, सेम इस हेलीकॉप्टर ने मेरी बैंड बजा रखी यार, पता नहीं इसके अंदर फ्यूल कम है या क्या कम है, पर भाई इसने मेरे कुत्ते मार दिया यार, कितना घटिया हेलीकॉप्टर यार, देखो ये फटेगा, ये पक्का फटने वाला है मेरे को लग रहा है, और मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ, प्लीज भगवान मत फटियो प्लीज। अरे हो जा भाई, उड़ जा, अरे फिर टकरा गया इसकी ऐसी तैसी यार, क्या कटिया हेलीकॉप्टर मिला है मेरे को, अरे पहुंच जा भाई प्लीज, पहुंच जा तेरी ऐसी तैसी, भाग यहाँ से कटिया हेलीकॉप्टर कहीं का, बच गया। ओए भाई कहाँ गया वो हेलीकॉप्टर, चल निकल कुत्ते, आगे से बताइयो कभी मेरे पास, कितना घटिया हेलीकॉप्टर था यार। ओए 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 ओए, अबे टाइम मेरे पास अब भी कम है, जल्दी भागो 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 भागो, और इतनी सारी बोल सामने हो रहे, ये ले भाई सबको उड़ा देगा तुम्हारा भाई, हट 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 सामने से हट, ओ और भी ज्यादा बोल से नीचे, ए हट जा मेरे को टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और ये यहाँ पर इतनी सारी बॉलिंग बॉल्स, अरे नहीं 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 नहीं, घूम जा, ये री बॉलिंग बॉल्स इनको टक्कर मारते, गाड़ी आगे टूट गई, अब डर लग रहा है मेरे को, अब तेरी गाड़ी ना टूट जाए बस मेरी, पीछे रिवर्स में घूम जा, परफेक्ट, सारी चीजें रोलिंग रोल हो रही है, हट जा मेरे को निकलने दो, ओए शिट, फिटुक गई, ओए सारी चीजें, ओए अबे तेरी, अब ये बोल भाटा है, अबे और ये भी चीजें भाटे, अबे बैक हो जा, अबे निकल यार यहाँ से, फंस गई मैं यहाँ पर बेटी। गाइस यार कितनी सारी बोल्स आगे लुढ़कती जा रही है, जल्दी वो एक काम करता हूँ, इन लोगों ने मेरे लिए रास्ता क्लियर कर दिया तो मैं इस साइड से निकलता हूँ ना, और जा, ओ क्या पहुंच पाऊंगा मैं, तेरी ऐसी तैसी भूतनी की, मर गया भाई, थोड़ा सा रह गया, ओ सारी चीजें ऊपर से नीचे गिर रही है, दबा दब दबा दब,
चलो यार लास्ट फेज में पहुंच चुका हूँ, बस मेरे को यहाँ पर जीतना है। अबे क्या हो गया, फंस क्यों गया मैं? जल्दी से यहाँ पर बोट लेता हूँ और भाई फिनिश लाइन पे पहुंचते हैं और जाके जल्दी से वो एग्स लेता हूँ। भाई सारी चीजें नीचे गिर रही है बराबर, जल्दी ऑन हो जा, हो गया इंजन ऑन और ये हम लोग आ गए। और यहाँ पर धुंध इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? मेरे को लगता है ये असल में सारी पावर है किसकी, उस ऑक्टोपस मैन की। भाई वो ये सब कर रहे हैं। चलो चल चल, निकल 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 निकल, बिल्कुल बढ़िया, आ जा आ जा आ जा आ जा नीचे, आ जा आ जा, निकल 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 निकल, इसमें से निकल गए, नाइस। अब बस स्पीड बढ़ानी है और थोड़ा सा और बस हम लोग जीतने वाले। गाइस आप लोग मेरे साथ हो तो मैं जरूर जीतूंगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपने अभी तक चैनल को ओ ये क्या, मेट्रो ट्रैक से बाहर हो गया? नहीं नहीं हम ट्रैक पे वापस चले जाएंगे। ओ थोड़ा सा इधर त्रिटेढ़ा मेढ़ा, ओए भाई पानी का बहाव कुछ ज्यादा तेज हो गया है और इस ये मेरी हेल्प करेगा ऊपर जाने में। अब ऊपर कहां मैं फंस गया, शिट। भाई सब पानी के बहाव का यूज करके हम लोग फाइनली आ चुके ऊपर। ओ भाई पर पानी का बहाव बढ़ता ही जा रहा है, इससे पहले कि और भी ज्यादा बढ़े जल्दी से इसको टच करता हूँ और अपने एग्स मंगाता हूँ। लेट्स टच इट। ओए गाइस यार ये देखो, जैसे मैंने इस ट्रॉफी को टच किया पूरा मौसम साफ हो चुका है और जो लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी वो भी शांत हो गई है। गाइस यार देख रहे हो इतने सारे एग्स यहाँ पर एक साथ आए थे, मेरे हिसाब से इनकी पावर्स इतनी ज्यादा इसलिए सारा समुद्र शांत हो गया। ओ गाइस यार इनको जब मैट खाऊंगा तो उसके बाद मेरी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए इनको जल्दी से खाता हूँ। ओ गाइस यार ये देखो हम लोग कितने खतरनाक वाले शार्क के अंदर अपग्रेड हो चुके हैं यार। अब मैं उस ऑक्टोपस को छोड़ूंगा नहीं। है कहां पर वो पूरा ऑक्टोपस? अरे अरे ये कौन है? मैंने तो शार्क फैमिली को मार डाला था, ये तो वही है जिसने आज से हजारों लाखों साल पहले मेरे को बंदी बनाया था। हाँ मैं वही शार्क हूँ और मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इस बार तू मुझे नहीं बंदी बना पाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। अबे तेरी ऐसी तेरा ऑक्टोपस मारू भूतनी क्या? इधर ये ले। ओ भाई कहाँ गया ये? गाइस यार अबे ये क्या हो रहा है? अबे भाई ये पता नहीं क्या कुछ तो कर रहा है अजीब अजीब सा। इसकी ऐसी ये ले पिछवाड़े में मारू इसके एक और लात और एक और ले। अबे पानी के अंदर घुस दिया मैंने तो उसको मार मार के। अरे अरे ये क्या गाइस? ओए इसके डुप्लीकेट्स कैसे आ गए? मैंने इसको मारा तो अभी। ओहो मैंने बोला मेरी ताकत पहले से बहुत ज्यादा है। तेरी ऐसी ये ले, पर तू मुझसे अभी आधा पौन है। ये ले। ओ भाई क्या थप्पड़ मारा इसको, चल निकल यहाँ से, पानी में फेंक दिया। अबे रुक जा। ओए ये हवा में कैसे उड़ रहा है? अबे ये ऑक्टोपस है या कोई चिड़िया है? रुक तेरी ऐसी ये ले। अबे यार इसको मार क्यों नहीं पा रहा मैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस चीज का बना हुआ है। ओ रो 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 रो। अबे भाई पता नहीं मेरे पैरों में लिपट गया ये तो मकड़ी की तरह। ओए मर गया क्या? ओए शायद इस बार ये मर गया। भाई ये तो तड़प रहा है, इसको शायद मैंने मार डाला। गाइस यार फाइनली हमने इस ऑक्टोपस के बच्चे को मार डाला। इसने मेरी फैमिली को मारा था ना, और ये क्या मेरे को धमकी दे रहा था कि पूरे लॉस सैंटोस को तबाह करेगा, पूरे के पूरे समुद्र के ऊपर राजा बन के राज करेगा। ये नहीं मैं राजा हूँ। और गाइस यार हमने अपनी फैमिली का भी बदला ले लिया। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले भटके आ गए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए सायोनारा। We're just getting started, I know that.